दोस्तों नमस्कार, अभी हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और जानने का प्रयास ये कर रहे हैं कि 2022 में इस बार योगी जी आएंगे या फिर जाएंगे, और अगर योगी जी जाएंगे तो विकल्प क्या होगा। कुछ लोग हैं, उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक भैया हैं, सबसे पहले इनसे पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है? जी सर, देखिए मुद्दा तो यही है सभी पब्लिक का कि बदलाव होना चाहिए, ताकि रोजी धंधा सबका ठप है। अभी इस टाइम बहुत पब्लिक परेशान है, इसके लिए बदलाव तो कुछ होना चाहिए इसमें। आपको लगता है कि काम धंधा ठप है सरकार? काम धंधा तो बहुत कम है सबका, पब्लिक बहुत परेशान है। हाँ, क्या काम करते हैं आप? अरे हम लोग यही मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, जहाँ सैलरी ज़्यादा थी कम हो गई, ये वो मुद्दा और क्या है। मतलब सैलरी जहाँ ज़्यादा थी कम हो गई। भाई साहब एक मिनट आप बताइए, आप रुक जाइए, एक भाई साहब और इनसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है? तो कह रहे हैं आपकी बदलना चाहिए सरकार। देखो मेरे ख्याल में तो बदलना ही चाहिए। वैसे ये है कि जैसे कि हमारे यूपी के अंदर व्यवहार हो रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो अच्छा हो रहा है इस सरकार में। तो मैं चाहता हूँ कि ये सरकार हमारी चेंज होनी चाहिए। जो काम ये सरकार ने किया कोई नहीं कर पाया है। अच्छा, योगी जी सही काम किए? सही काम किए भाई, किसी के पास झोपड़ी नहीं थी, उन्होंने ने मकान दिया और राशन महीने में 3 बार दिया है। बता रहे काम धंधा बंद हो गया, अभी एक सज्जन मिले। काम धंधा बंद हो गया तो सरकार का भी इसमें नुकसान हुआ, लेकिन काम कितना बढ़ा है इसमें? उत्तर प्रदेश में कोई मरा है कोरोना से? तो लोग बहुत मरे मरे, लेकिन अपने भारत में नहीं मरे। भारत में बहुत लोग मरे कोरोना? नहीं मरे। गंगा में लाश नहीं देखी आपने? गंगा में लाश है तो ऊपर ऊपर निकाल रहे, पूरा स्वर्ग बना दिया। अब आप वहाँ बनारस चले जाइए, देखिए वहाँ पे बाबा विश्वनाथ। बनारस आप गए नहीं गए? मैं हर साल में 2 बार जाता हूँ बनारस। हाँ, साल में 2 बार नवरात्र पड़ता है तो दोनों बार जाता हूँ बनारस। बदलाव आपको नजर आया बनारस में? बदलाव हुआ बनारस, इलाहाबाद, विंध्याचल, सब जगह आया है। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि कोरोना से कोई मरा नहीं? कोई मरा नहीं, केवल अफवाहें है ये। कोई नहीं मरा? सरकार का भी डाटा है कोरोना से बहुत सारे लोग मर गए। सरकार बहुत अच्छी है, वो जो कर रही है अपने मजबूती से कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अच्छा। फिलहाल हाँ, आपको आपने कहीं पढ़ा लिखा नहीं कि कोरोना से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को? मिल नहीं रही थी, लेकिन हवा छोड़ सारे काम उन्होंने बंद करवा दिया था जी। कोरोना से मतलब आप कहते मरे नहीं? नहीं भाई साहब, अब कह रहे हैं कि कोरोना से मरे नहीं लोग, वो तो अलग बात है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं कोरोना से कोई लोग मरे नहीं? नहीं नहीं, ये सच है। कोरोना था, बाहर भी था, यहाँ देश में भी था। जो इस सरकार में योगी जी ने किया है, अच्छा ही काम किया। अगर अखिलेश सरकार होती तो ऐसा काम नहीं हो पाता। अच्छा, तो कह रहे हैं कोरोना से कोई मरा ही नहीं? नहीं नहीं, है हमारे गाँव में लोग मरे हैं और डेड बॉडी पैक होके आई है। ऐसी बात है, जो काम किया सरकार ने अच्छा किया है, लॉकडाउन किया है। अगर योगी जी और मोदी जी ना होते तो ऐसा लॉकडाउन कभी नहीं होता। और जो लोग इतनी देश में जिंदा है इसलिए जिंदा है, मोदी जी की वजह से जिंदा। हाँ, और क्या, इतनी सरकार नहीं है कभी। और महंगाई है, ऐसी बात नहीं है, मगर बहुत गरीबों का आदमी को बहुत वो भी मिल रहा है। तो गरीबों आदमी को बहुत भी मिल रहा है, राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, खेती मिल रही है। और जो इतने रेप वेप होते थे वो बंद हो गया अखिलेश सरकार की। नहीं नहीं सही थी, रेप नहीं होते अब, रेप नहीं होते, बहुत कम होते हैं बिल्कुल। गुंडागर्दी खत्म हो गई, अच्छे अच्छे काले धन निकल बाहर निकल आए, सब आ गया। और सरकार फ्री होगी की बनेगी, ऐसी बात नहीं है। सरकार योगी जी चाचा पूछते हैं, चाचा बता रहे कोरोना से कोई मरा नहीं, योगी जी सरकार अच्छी है, बढ़िया है? बहुत बढ़िया सरकार है। योगी जी की सरकार बढ़िया है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो रिपीट हो जाएगी यहाँ पे? हाँ, रिपीट हो जाएगी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे 400 सीटें आएंगी? कहने को तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो योगी जी आएंगे। आपको क्या लगता है अंकल जी? किस चैनल से हैं आप? सरकार की सब कुछ ठीक है, लेकिन परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है। मतलब इसमें गलती ना पब्लिक की है ना छोटे कर्मचारियों की, इसमें मुख्यालय की गलती है। आए दिन कल पेपर में आपने पढ़ा हुआ, अमर उजाला में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई छावनी गोरखपुर रोड पर, तो एआरएम साहब अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जितने मुख्यालय में बैठे हैं सब भ्रष्ट हैं। जब वहाँ से सामान दोगे तब तो यहाँ लगेगा। भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे थे खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ? कौन मुख्यमंत्री जी, वैसे मतलब अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुख्यालय के भ्रष्टाचार को देखें, डिपो के नहीं। डीपो भ्रष्टाचार उन्हें देखा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुख्यालय से भ्रष्टाचार है, मैं दावा कर रहा हूँ। जीएम कुछ कहता है, एमडी कुछ कहता है। सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ 2 घंटे से घूम रहे, एक बस नहीं आई शाहजहांपुर के। 2 घंटे से घूम रहे शाहजहांपुर के लिए कोई बस नहीं है।
और जितने ये अधिकारी बैठे इनसे पूछो, कोई कह रहा है इधर जाओ, कोई कह रहा है उधर जाओ। ये जो मुख्यालय की ये जो कर्मचारी बैठे हैं ना यहाँ पे जो अधिकारी, ये भ्रष्ट हैं। योगी जी गलत नहीं है, न मोदी जी गलत हैं, सरकार तो फिर आएगी उनकी, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं ना यहाँ पे, ये सही कोई बात ही नहीं बता रहे, पब्लिक भटक रही है इधर उधर। योगी जी और मोदी जी भी कहते हैं ना जीरो भ्रष्टाचार कर देंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे। जड़ से तो कोई भी सरकार है जड़ से नहीं मिट पाएगा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान का ये। लेकिन हाँ, योगी जी ने काम अच्छे किए हैं, गुंडई बंद हो गई, बाकी राशन मिल रहा, सब मिल रहा, सब कुछ हो गया। और फिर महंगाई जब हम आप जब फ्री का खाएंगे, जब सरकार दे रही है तो महंगाई जाएगी, हमारी आपकी जब सुध जाएगी। महंगाई देख ली आदमी ने कि महंगाई है, लेकिन जो मिल रहा है किस्त मिल रही है हर महीने 2000 रुपये 2.5 लाख रुपये आवास के लिए मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहे हैं, हमें ही आप दे रहे हैं। लेकिन सब सरकार जो कर रही है गरीबों के लिए, हमारे आपके लिए अच्छा कर रही है। महंगाई एक तरफ है, दूसरी तरफ जो सरकार दे रही है आप कहना चाहते हो वो अच्छा कर रही है। भाई साहब आपको क्या लगता है? सर योगी आएंगे इस बार? योगी जी आएंगे बिल्कुल। अच्छा, तो कहने चारों सीटें आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे बिल्कुल। महंगाई के लिए सब मुद्दा रख देते हैं कि डीजल महंगा हो गया 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, रिचार्ज वगैरह भी तो महंगे होते हैं, 50 रुपये 100 रुपये बढ़ रहे हैं, इन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, ये भी योगी कर रहा है रिचार्ज वगैरह। 4 साल पहले जो पोजीशन थी, स्कूलों से आना जाना मुश्किल था, क्राइम कम हो गया, बढ़ा है, बढ़ा है सरकार में, इस सरकार में। अच्छा, ये तो बता रहे कम हो गया। आप ये अपनी बता सकते हैं, हम अपनी बता सकते हैं, आपको लगता है बढ़ गया? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं यूपी में? यूपी हमें अखिलेश चाहते हैं। अच्छा, योगी बाबा? नहीं, योगी बाबा नहीं, अखिलेश को चाहते हैं। अखिलेश ऐसा क्या काम करा दी जो अखिलेश को आप चाहते हैं? अखिलेश ने तो अच्छा काम कराया था। हाँ। योगी जी अच्छा काम नहीं किए हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी देखे नहीं आप बना? नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया फाइटर प्लेन उतारे पूर्वांचल एक्सप्रेस में, देखा नहीं आपने? नहीं नहीं, अखिलेश का जो काम था वो बेहतर था, वो जो सबको पसंद था। योगी का काम सबको पसंद नहीं आया। सबको पसंद नहीं आया? सबको नहीं पसंद। आप कैसे कह सकते हैं कि सबको पसंद नहीं आया? हम कह सकते हैं ना, क्योंकि अखिलेश ने अच्छा काम करा है। आप ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश का काम सबको अच्छा लगा? हाँ। योगी का अच्छा नहीं? नहीं, हमें तो अखिलेश का काम अच्छा लगा, जो वो सबको साथ में लेके चलते हैं। एक अंकल जी और भैया, भैया बोलेंगे। आप बदलाव चाहते हैं या योगी जी को? नहीं भैया, योगी जी को चाहते हैं। हाँ, अच्छा काम, बहुत बढ़िया काम किए।